ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए, और उस समय यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहां के वोटर्स ने माना, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीनों सीटें भैया, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य यह है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स, इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े तानाशाही रवि भैया के खिलाफ, ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई